हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं चांद के बारे में। तो चांद को देख के आपने कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि चांद का साइज बढ़ता और घटता क्यों रहता है। तो आज हम लोग बहुत इजी डेमोंस्ट्रेशन के माध्यम से ये सीखेंगे कि चांद का साइज घटता और बढ़ता क्यों है। ठीक है, आइए इसको बहुत ईजी डेमोंस्ट्रेशन से समझने की कोशिश करते हैं। जो बल्ब है इसे आप सन मान लीजिए, ये जो ग्लोब है इसे आप अर्थ मान लीजिए, और ये हो गया आपका मून। ठीक है, सबसे पहला चीज जो हमें समझना है वो ये समझना है कि सन, अर्थ और मून का रिलेटिव पोजीशन क्या है। तो अगर हम तीनों को इस प्लेन पर रखें, एक प्लेन पे, तो अर्थ का जो रोटेशन, अर्थ के चारों तरफ जो रोटेशन करेगा मून, ये करेगा इस प्लेन पर। जो हॉरिजॉन्टल प्लेन आपको यहां पर दिख रहा है समझाने के लिए, इस प्लेन पर मून रोटेट करने वाला है। चलिए देखते हैं कैसे। मून जो है वो ऐसे अर्थ के चारों तरफ इस प्लेन पर रोटेट करेगा। ओके, तो जो मून घटता और बढ़ता दिखाई देता है वो दो रीजन से दिखाई देता है। एक तो ये एक कॉन्सेप्ट ये है कि जो सन से जब लाइट पड़ रहा है मून पे, किसी भी पोजीशन पर आप देखें, तो हाफ ऑफ द मून इज लाइटेड, हाफ ऑफ द मून इज डार्क। ये डार्क पार्ट हो गया और ये लाइटेड पार्ट हो गया। अब यहां से देखते हैं, जब मून अर्थ और सन के बीच में है यहां पे इस पोजीशन पे, तो अर्थ पे बैठे लोग जब इसको देखने की कोशिश करेंगे, मून को देखने की कोशिश करेंगे, तो उनको क्या दिखाई देगा? उनको डार्क पार्ट दिखाई देगा। जब उनको ये डार्क पार्ट दिखाई देगा तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा न्यू मून, या इसे हम अमावस्या की रात कहेंगे। क्यों? क्योंकि मून आपको दिखाई नहीं देगा, ये पूरा डार्क होगा। देख सकते हैं आप यहां से, जब देखेंगे सिर्फ आपको डार्क पार्ट दिखाई दे रहा है ये। अच्छा, एक दिन के बाद जब अर्थ पे ये एक दिन कंप्लीट होगा 24 आवर्स, तो मून यहां से यहां मूव कर जाएगा, क्योंकि पूरा कंप्लीट चक्कर ये लगाता है 29 डेज में, एक महीने में, तो ये मूव कर गया। जब ये मूव करेगा तो आपको थोड़ा सा मून दिखाई देगा यहां से, जब आप देखने की कोशिश करेंगे। ऐसे करके ये अगले दिन, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, और ये एक वन वीक के बाद यहां से यहां पहुंच जाएगा। जब मून यहां से यहां पहुंच गया, और तब जब आप अर्थ से इसको देखने की कोशिश करेंगे, यहां से इसको देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा कि हाफ ऑफ द पार्ट, ये हाफ ऑफ द मून इज लाइटेड और आधा मून जो है वो डार्क है। ठीक है, और जब आप फर्दर आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको मोस्ट ऑफ द पार्ट मून का वो आपको लाइटेड दिखाई देगा, और जब फाइनली आप इस एक्सिस पर आ जाएंगे, इस एक्सिस पर जब आ जाएंगे, जब आप सन और अर्थ के ठीक स्ट्रेट लाइन पर होंगे, तो आपको क्या होगा? सन की वजह से पूरा का पूरा जो लाइटेड वाला पार्ट है, ठीक है, वो आपको दिखाई देगा, जो डार्क पार्ट है वो नहीं दिखाई देगा। जब आपको पूरा लाइटेड पार्ट दिखाई देगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फुल मून, या इसे हम पूर्णिमा की रात बोलेंगे। ठीक है, फिर ये वापस घूम के जब यहां पहुंचेगा तो हाफ लाइटेड, हाफ डार्क। तो इस तरह से आपको ये अलग अलग जो है वो फेज नजर आएगा इसमें। तो अब हम इसको इजी डेमोंस्ट्रेशन की मदद से देखेंगे कि कैसे चांद का साइज बढ़ता घटता, जो आप आराम से अपने घर पे कर सकते हैं। इस डेमोंस्ट्रेशन को करने के लिए हमें दो चीज की जरूरत होगी। एक तो हमें चाहिए होगा लाइट, दूसरा हमें चाहिए रहेगा एक व्हाइट बॉल, जिसमें हमने एक पेन लगा लिया है स्टैंड की तरह। अच्छा, तो ये जो लाइट है इसको आप सन मान लीजिए, ठीक, और ये जो आपका व्हाइट बॉल है इसे आप मून मान लेंगे, और ये जो आपका आईज है या आपका फेस है ये अर्थ है। आप अर्थ से देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? मून को देख रहे हैं। तो आप अपने आप को ऐसे ऐसे अलाइन करिए, सन और आपके आईज के बीच में मून होना चाहिए, और आप इसे ऐसे करके धीरे धीरे आप इसे रोटेट करिए। ओके, तो जब आप यहां पर देखेंगे तो क्या होगा कि सन की वजह से आपको सिर्फ मून का डार्क पार्ट दिखाई देगा। ओके, अब आप इसे धीरे धीरे ऐसे रोटेट करिए। जब आप इसे धीरे धीरे से रोटेट करेंगे तो आपको दिखेगा कि धीरे धीरे जो है ना वो लाइटेड पार्ट मून का वो दिखने लगेगा, और आपको धीरे दिखेगा कि चांद कैसे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर आपको हाफ ऑफ दिखेगा, 90 डिग्री पे हाफ ऑफ दिखेगा, विच इज फर्स्ट क्वार्टर, और इसके बाद आप धीरे धीरे ऐसे रोटेट करेंगे तो आपको यहाँ पर आपको फुल मून दिखाई देगा। ये आपका फुल मून हो गया, क्योंकि आपको पूरा मून दिखाई दे रहा है। फिर आप जब ऐसे रोटेट करेंगे तो आपको फिर से थर्ड क्वार्टर दिखाई देगा, हाफ लाइट हाफ डार्क, और फिर आप ऐसे रोटेट करेंगे तो आपको फिर से कंप्लीट डार्क दिखाई देगा, विच इज न्यू मून। अब ये जो चीज है, इसमें मून आपको कैसा दिख रहा है, यहां पर से आपको नहीं दिखाई देगा, इसके लिए आइए इसको जूम करते हैं और देखते हैं कि ये मून बढ़ता और घटता कैसे दिखाई देता है। तो हम ऐसे रोटेट करेंगे, यहां से 90 डिग्री पर देखेंगे, फिर 180 पर देखेंगे, फिर 90 पर देखेंगे, और फिर 180 पर। चलिए देखते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों, तो देखते हैं कि जब आप इसे खुद से ये एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो मून आपको कैसे घटता बढ़ता दिखाई देगा। अभी जो कैमरा का जो एंगल है वो आपका आईज है, आप अर्थ से देख रहे हैं, ये आपका मून है। ठीक है, मून को मैंने डाल दिया सन और अर्थ के बीच में, तो ये आपका क्या हुआ, आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको सिर्फ उसका डार्क फेस दिखाई दे रहा है, तो ये न्यू मून है। अब आप एक दिन के बाद जब ये थोड़ा सा रोटेट होगा, ठीक है,
जब ये थोड़ा सा रोटेट होगा तो आपको थोड़ा सा मून दिखाई देगा, फिर अगले दिन ये थोड़ा और रोटेट होगा आपको थोड़ा और दिखाई देगा, फिर अगले दिन ये थोड़ा और रोटेट होगा और दिखाई देगा, फिर विद इन अ वीक ये 90 डिग्री पे आ जाएगा। जब ये 90 डिग्री पे आएगा तो आपको दिखाई देगा क्या, हाफ मून ब्राइट दिखाई देगा और हाफ मून डार्क दिखाई देगा। ये कौन सा फेज है, ये है आपका फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है। इसके बाद जब ये अगेन अगले दिन यहां पर पहुंच जाएगा, उसके अगले दिन फिर यहां पर पहुंच जाएगा, ऐसे आपको धीरे धीरे मूव करता करता जब ये एग्जैक्टली अर्थ के अपोजिट साइड, सन के अपोजिट साइड पहुंच जाएगा, तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा जो कि क्या है, फुल मून है, ठीक है, क्योंकि आपको पूरा डार्क फेस दिखाई देगा। इसके बाद क्या होगा, मून वापस से जब ऐसे रोटेट होगा तो आपको देगा दिखाई देगा कि मून जो आप धीरे धीरे घटना शुरू हो गया और घटना शुरू हो गया, ठीक है। फिर अगले दिन और घटेगा, अगले दिन और घटेगा, और उसके बाद आपको क्या होगा कि सेकेंड थर्ड क्वार्टर दिखाई देगा जब आपको हाफ मून दिखाई देगा, हाफ मून नहीं दिखाई देगा, फिर ये घटता 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 और घटता जाएगा, और फाइनली ऐसे आपको क्रेसेंट दिखेगा और अल्टीमेटली आपको फिर ये ऐसे फुल मून दिखाई देगा। मन एक सवाल आपके मन में जरूर आएगा कि जब चंद्रमा आपके पृथ्वी और सूरज के बीच में है तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एग्जैक्टली जब ये लोग एक प्लेन में होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सोलर इक्लिप्स या सूर्य ग्रहण। क्यों? क्योंकि जब जो लोग यहाँ से सूरज को देखने की कोशिश करेंगे तो पृथ्वी मून की वजह से सूरज जो है वो ढक जाएगा, तो यहाँ के लोगों को सूरज दिखाई नहीं देगा, इसको सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। यहाँ अब जब ये यहाँ से हम रोटेट करके यहाँ पर आएगा तो ऐसे केस में क्या होगा कि पृथ्वी का जब शैडो मून पे पड़ेगा तो मून यहाँ के लोगों को दिखाई नहीं देगा, यहाँ के लोग मून देख नहीं पाएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं लूनर इक्लिप्स या चंद्र ग्रहण। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर मून जो है वो ऐसे ही रोटेट कर रहा है सन अर्थ के चारों तरफ तो ऐसे केस में महीने में एक बार सोलर इक्लिप्स आना चाहिए और महीने में एक बार एटलीस्ट लूनर इक्लिप्स आना चाहिए, पर ऐसा क्यों नहीं होता है? तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो इसमें इसीलिए जब मैंने बिगनिंग बताया था कि जब मून जो है वो ऐसे रोटेट होता है इस प्लेन पे, ये जो है ना ये पार्शियली करेक्ट था, एग्जैक्टली इस प्लेन पर रोटेट नहीं होकर के मून जो है वो 5 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली 5 डिग्री टिल्टेड होता है, यानी कि इस प्लेन पर रोटेट करता है, यानी इसको अगर आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे ऐसे। इसका क्या मतलब हुआ कि जब मून जो है वो यहाँ पर होगा इन दोनों के बीच में तो ये एग्जैक्टली एक प्लेन पर नहीं होता, वो थोड़ा नीचे रहता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि मून जो है वो सन को ब्लॉक नहीं कर सकता है तो सोलर इक्लिप्स नहीं होगा। बट फिर भी यहाँ के लोग जब मून को देखेंगे तो उनको कौन सा पार्ट दिखाई देगा, उनको डार्क पार्ट दिखाई देगा, विच मीन्स उनको न्यू मून दिखाई देगा, ठीक है। अब जब ये रोटेट होकर के ऐसे होके जब यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, तो अभी जो है अर्थ है वो इसको ब्लॉक नहीं कर सकता, कवर नहीं कर सकता, बट यहाँ के लोगों को क्या दिखेगा, इनको पूरा कंप्लीट ब्राइट पार्ट ऑफ मून दिखाई देगा, यानी कि उनको फुल मून दिखाई देगा। तो इसी यही कारण है कि जब नॉर्मली मून जो है अर्थ के चारों तरफ रोटेट करता है तो ये ना तो सन के बीच में आता है और ना ही मून जो है वो इन अर्थ जो है मून और सन के बीच में आता है। बट ऐसे रोटेट होते होते कभी कभी ऐसा होता है कि ये रोटेशन ऐसे ऐसे चेंज होते होते कभी कभी ये रोटेट होकर एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में आ जाता है। जब मून इसके सन और अर्थ के बीच जब मून सन और अर्थ के एग्जैक्टली बीच में आ जाता है, एक 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 प्लेन में आ जाता है, ऐसे केस में ये सोलर इक्लिप्स होता है। और जब ये ऐसे रोटेट होते होते जब एग्जैक्टली ये तीनों एक प्लेन में आ जाते हैं तब ये लूनर इक्लिप्स होता है, और ये वंस इन अ वाइल यूजुअली साल में एक बार ऐसे ही होता है। तो दोस्तों हमने ये देखा कि चांद बढ़ता और घटता कैसे, उसका क्या मैकेनिज्म, वो हमने सीखा। अगले वीडियो में हम लोग इससे भी इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन पूछेंगे कि कभी कभी आपने जरूर नोटिस किया होगा कि आपको चांद जो है कभी दिन में दिखाई देता है, कभी शाम में भी दिखाई देता है, और ज़्यादातर रात में दिखाई देता है। तो क्यों चांद कभी कभी दिन में दिखाई देता है, कभी रात में दिखाई देता है, और रात में भी कभी वो 3 घंटे के लिए, कभी वो 5 घंटे के लिए? तो चंद्र उदय और चंद्र जो अस्त है, कि जब मून जो है वो राइज करता है और सेट करता है, वो कैसे करता है, कि कितनी, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों ये जो हमारी पृथ्वी है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने अर्थ को, हम अपने नेचर को क्लीन रखें, प्योर रखें। सो डोंट डू एनी पोल्यूशन एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।